हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद तब्बू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वेज पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी विथ होममेड बेस। बाहर जाकर पिज़्ज़ा खाना तो हर कोई पसंद करता है, पर इसे घर पर बनाने का मज़ा ही कुछ और है। इस वीडियो में मैंने पिज़्ज़ा ओवन के और बिना ओवन के दोनों ही मेथड से बनाया है। तो आइए देखते हैं इस यम्मी और चीज़ी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पिज़्ज़ा बेस तैयार करने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। ये तकरीबन 150 ग्राम है, जिसे मैंने इस कप से मेजर करके 2 कप मैदा लिया है। और हम लेंगे 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, 3 टीस्पून तेल। ये 1/2 कप नीम गरम पानी है, जिसमें से 1/4 कप हम लेंगे ईस्ट को एक्टिवेट करने और बचा हुआ पानी डो के लिए यूज़ करेंगे। पिज़्ज़ा बेस का डो तैयार करने के लिए एक बोल में 1/4 कप नीम गरम पानी लें और इसमें चीनी और ईस्ट डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक एक्टिवेट होने रख दें। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इससे आपका ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के बाद ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। इसी बोल में मैदा, नमक और 1 टीस्पून तेल डालकर नीम गर्म पानी से इसको गूंद लें। मैदा और पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। इसमें ओरिगैनो भी डाल दें और इसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक गूंदकर एक सॉफ्ट डो तैयार करें और ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाकर कवर करके कम से कम 2 घंटे के लिए रख दें। दो घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि डो का साइज डबल हो चुका है। इसको 2 से 3 मिनट और गूंद लें। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, 1/2 कप मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी कटी हुई प्याज, थोड़े ब्लैक ऑलिव्स, थोड़ी कटी हुई शिमला मिर्च, बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न और एक चीज़ स्लाइस। जिस ट्रे में आप पिज़्ज़ा बेक करने वाले हैं उसको घी या बटर से ग्रीस करके रख दें और डो को मैदा या कॉर्नफ्लोर लगाकर पिज़्ज़ा बेस को राउंड शेप में बेल लें। आप देख सकते हैं कि मैंने पिज़्ज़ा बेस को थोड़ा थिक रखा है। पिज़्ज़ा बेस को बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र करें और एक फोर्क की मदद से इसको प्रिक कर लें। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह से बेस पे स्प्रेड कर दें। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर चीज स्लाइस और मोज़रेला चीज स्प्रेड करें। इसके बाद कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, ब्लैक ऑलिव्स, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो को भी डाल दें। आप अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। ये पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए ओवन को प्रीहीट करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसमें पिज़्ज़ा नहीं रखा है, तो इस तरह खाली ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट तक हमें ऑन रखना है। ओवन अब प्रीहीट हो चुका है। अब इसमें पिज़्ज़ा को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक बेक कर लें। आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म और चीज़ी पिज़्ज़ा तैयार है। आइए देखते हैं पिज़्ज़ा को बिना ओवन के कैसे बनाते हैं। कोई डीप हांडी या कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाएं और इसमें नमक डाल दें। यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब नमक यूज़ किया है। इस तरह का कोई भी स्टैंड इसमें रखें और हांडी को ढककर 10 मिनट तक मीडियम हीट पे गरम होने दें।
10 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी गर्म है। अब इसमें केयरफुली तैयार किया हुआ पिज़्ज़ा रख दें। आपको दिखाने के लिए मैंने एक और पिज़्ज़ा तैयार कर लिया था। यहाँ पे मैंने स्टील प्लेट यूज़ की है, आप चाहें तो एल्यूमिनियम प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग करने के लिए आप कोई बड़ी या चौड़ी हांडी का यूज़ करें, अगर इस तरह से गैप रहेगा तो पिज़्ज़ा अच्छी तरह से बेक होगा। इस पिज़्ज़ा को ढककर 20 से 25 मिनट तक मीडियम हीट पे बेक कर लें। 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा बिना ओवन वाला पिज़्ज़ा भी तैयार है। जो नमक आपने बेकिंग में यूज़ किया है, आप जब भी बेकिंग करें उस नमक को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ये ओवन में बेक किया हुआ पिज़्ज़ा है, आप देख सकते हैं कि ये कितना चीज़ी और स्पॉन्जी बना है। ये बिना ओवन के बेक किया हुआ पिज़्ज़ा है और ये भी परफेक्टली बेक हुआ है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।